दोस्तों सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल में। आप सभी देख रहे हैं छोटी बड़ी पल पल की जानकारी टूटी फूटी आवाज़ में रहुसा सीतापुर प्रेम बातें के साथ। बने रहिए और देखते रहिए खबर आपकी कवरेज हमारी। इस वक्त मैं जनपद सीतापुर के ब्लॉक मुख्यालय कस्बा अटल चौक रहुसा के संकट मोचन हनुमान मंदिर पर परिसर में खड़ा हूँ, जहाँ पर ये तस्वीरें आपको स्पष्ट दिखाई दे रही हैं। सात संतों की तस्वीरें हैं और मंदिर पर ये एकत्र हुए हैं एक पंडाल के नीचे, जहाँ पर साफ जाहिर होता है कि यहाँ पर एक विशाल भंडारा है। प्रत्येक वर्ष की बात, इस वर्ष जो ये तस्वीरें अपने आप में खुद ब खुद संतों की बया करती हैं। और ये सर्वराकार महंत इस संकट मोचन हनुमान मंदिर रहुसा के जो गंगादास पुजारी हैं उनके सानिध्य में प्रत्येक वर्ष किया जाता है। लेकिन हम पूरी बात करेंगे कि ये किस अवसर पर ये किया जा रहा है और कौन सा स्थापना दिवस है, क्योंकि यहाँ प्रत्येक वर्ष इस भंडारे के साथ हर वर्ष मूर्ति स्थापना भी होती है। लेकिन पूरी बात करते हैं, इन तस्वीरों के माध्यम से आपको हम रूबरू कराते हैं यहाँ पर सर्वराकार इस मंदिर के, जिनके माध्यम से आज यहाँ पर एक विशाल संतों का संगम देखने को मिलता है प्रत्येक वर्ष। पूरी बात करते हैं बातचीत के अंश, आइए मिलाते हैं। ये महंत गंगादास पुजारी हैं इस संकट मोचन हनुमान मंदिर के सर्वराकार। पूरी बात करते हैं, यहाँ पर आज संतों का बहुत बड़ा एक विशाल संगम देखा जा रहा है और प्रत्येक वर्ष ऐसा ही हम देख रहे हैं, लगातार दो दिन से यहाँ पर देखा जा रहा है। आज ये किस अवसर पर ये सात संत इकट्ठा हुए हैं और कौन सा स्थापना दिवस है और क्या है, पूरी बात। श्री सूर्यपुत्र सहदेव महाराज की स्थापना 14 अप्रैल 1311 को निश्चित हुई थी। किसकी मूर्ति की? सहदेव महाराज की। अच्छा, तो वही स्थापना कल थी। और वार्षिक उत्सव यह मनाया जाता है राम जी की और हनुमान जी की, इनका स्थापना दिवस मनाया जाता है प्रतिवर्ष यही तारीख पर। तो संत महात्मा अयोध्या से, नैमिष से, चित्रकूट से सब आए हुए हैं और यहाँ के सब संत समुदाय इकट्ठा हैं, तो उसी उपलक्ष्य में संत समागम होता है। जो कुछ हो सकता है सेवा और विदाई की जाती है प्रतिवर्ष। अच्छा, ये यहाँ पे एक सुने को आ रहा जो है नाखूनी बाबा थे, उनके अवसर पर ये स्थापना दिवस होता है क्या? हाँ, 14 को राम जी की स्थापना थी, वही दिन उनका निर्माण दिवस बन गया। अच्छा, तो ये कौन सा स्थापना दिवस हुआ है? ये 16 है, 17 है, कौन है? 30 ये 17 है, 17 है दिवस। अच्छा, उसी उपलक्ष्य में ये कार्यक्रम यहाँ पर प्रतिवर्ष होता है। ये कई दिन कब से शुरू होता है? 13 से 14 पूर्णमासी। अच्छा, ये कब संपन्न होगा? ये कल संपन्न होगा, 16 अप्रैल 2022 को संपन्न होगा, शनिवार को। अच्छा अच्छा अच्छा, सात संत कहाँ कहाँ से इसमें भाग लेते हैं? अयोध्या से आए हुए हैं, चित्रकूट से आए हुए हैं, नैमिष क्षेत्र से आए हैं और यहाँ के सब संत हैं क्षेत्र के। अच्छा, यहाँ पे इस मंदिर में कौन कौन सी मूर्तियों की स्थापना हुई है? हनुमान जी की हुई है, हनुमान जी के आराध्य श्री राम जी की है, माँ दुर्गा की है, भोलेनाथ की है, राधा कृष्ण जी की है और बुद्ध विनायक गणेश जी की। अच्छा, इतनी मूर्तियां यहाँ पे स्थापित हैं। अच्छा, इस मंदिर की क्या विशेषताएं हैं अभी तक, आप जब से कितने वर्षों से यहाँ पर ये काबिज है मंदिर? विशेषताएं हैं, इनका नाम है संकट मोचन। तो जिसका संकट होता है और यहाँ आकर के विनती आराधना करता है उसका संकट जरूर हटते। अच्छा, लोगों की मन्नतें पूरी होती हैं। किसी को पुत्र होता है तो मुंडन कराता है, किसी का मुकदमा फंसा है वो आराध्य की है तो बहुत सफलता मिली है। अच्छा, यहाँ पर काफी लोग आते हैं कि कई जोड़ों की जो है शादियाँ भी जो है लोग बताते हैं। क्षेत्र की शादी, जितने यहाँ क्षेत्र के दिखौवा होता है शादी का वो यही होता है, यही होता है। जयमाल जौन होते हैं वो सब यही होते हैं। इसका कोई शुल्क वगैरह यहाँ पड़ता है? शुल्क कोई नहीं, कोई नहीं, न दिखाई का रसीद है न शुल्क। हाँ, न देखा शुल्क दिखाई का न कोई मतलब कोई कुछ नहीं लिया जाता है, फ्री सेवा है, फ्री सेवा है। श्रद्धा आए तो अपना भगवान पर जो आया चढ़ा दिया, न चढ़ा दिया तो। अच्छा, जैसा कि
संत इस मंदिर के पुजारी गंगादास के जी के द्वारा मुखारबिंद से बातचीत के अंश आप लोगों ने सुना, और पूरी तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि वास्तव में एक विशाल संगम, दूर दूर से संत महात्मा आए हुए हैं और उनका ये 3 दिन तक एक कार्यक्रम स्थापना दिवस के अवसर पर प्रत्येक वर्ष की भांत चल रहा है, विशाल भंडारे लंगर के रूप में। शनि देव की मूर्ति है जो 14 अप्रैल 2022 दिन गुरुवार को स्थापित की गई है, नवनिर्माण जो आप स्पष्ट देख रहे हैं, और प्रत्येक वर्ष कुछ न कुछ नया इसमें होता है और अनेकों मूर्तियां यहां स्थापित हैं जैसा कि पुजारी के द्वारा बताया गया। ये शनि देव का मंदिर है।